वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज एक और वीडियो बनाने वाले हम कुकिंग के ऊपर। आज बनाएंगे हम लोग चॉकलेट बार विथ पीनट। ये है मेरे पास दो डार्क अमूल का, दो डार्क चॉकलेट और कुछ ये है पीनट्स। इसका हम बनाएंगे आज चॉकलेट बार विथ पीनट। पहले थोड़ा सा वाटर बॉईल करने के लिए रख देंगे, बॉइलिंग के लिए रख दिया मैंने। देन इसके ऊपर एक और रख देंगे जिसके अंदर हम चॉकलेट रखेंगे। जब तक ये होता है बॉईल, हम फटाफट चॉकलेट को कट कर लेते हैं। गाइस पहले आपको लेना है 150 ग्राम डार्क चॉकलेट अमूल का। देन इसमें आपको अगर स्वीटनेस बढ़ाना है, क्योंकि डार्क चॉकलेट थोड़ा सा कड़वा होता है, तो इसमें आप डेरी मिल्क ऐड कर सकते हैं। तो मैं 5 डेरी मिल्क ले जाऊँ इसको ऐड करने के लिए। और साथ में है मेरे पास 250 ग्राम पीनट। इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है, आपको मिक्स कर लेना है दोनों, डेरी मिल्क और डार्क चॉकलेट को। ओके ठीक है। तो गाइस ये ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है, ये देखिए। इसके अंदर जो भी जितना भी आपका पीनट्स है उसको डाल देना है और फटाफट इसको करना है मिक्स। ओके अच्छे से इसको मिक्स करना है। इससे और प्रॉपर मिक्स करें ताकि जो इसका जो पीनट्स है वो अच्छे से चॉकलेट के साथ अटैच हो जाए, जिसके बाद आपको इसका जो टेस्ट है वो अच्छा मिले, चॉकलेट के साथ मिले। इसके लिए प्रॉपर मिक्स करना है। उसके बाद एक प्लेट में थोड़ा सा पीनट बटर आपको लगा देना है ताकि स्टिक ना हो। ओके ईजीली निकल जाए आपको खाने के लिए। तो अगर आपको ऐसे छोटे छोटे कैंडी बनाना है तो आप बना सकते हो। अभी मेरे पास कोई इसका इंस्ट्रूमेंट नहीं है कैंडी बनाने के लिए, तो मैं इसके ऐसे ही रख दे रहा हूँ। ओके छोटे छोटे कैंडी बना के या फिर प्लेट में पूरा अच्छे से पूरा ऐसे फैला लेंगे, फिर उसके बाद में आप इसको कट कर सकते हैं या फिर तोड़ सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, पूरा इसको प्लेट में पूरा ऐसे फैला लिया है और इसको मैं फ्रीज़र में रख देता हूँ। थोड़े टाइम के लिए इसका फ्रीज हो जाएगा, फिर इसको मैं अपने हाथ से रिमूव कर तोड़ सकता हूँ। ओके ये देखिए थोड़ा सा हार्ड हो गया है। इसके बाद आप ऐसे छोटे छोटे इसके पीसेस करके आप यूज़ कर सकते हैं। गाइस काफ़ी अच्छा टेस्ट है, हम लोग जो मार्केट में इसको परचेस करने जाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यहाँ तक आपने देखा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा।